खबर अयोध्या से है। राम की पैड़ी समेत अन्य विकास कार्यों का स्थलीय निरीक्षण। अयोध्या के प्रभारी मंत्री व योगी सरकार में पर्यटन राज्य मंत्री नीलकंठ तिवारी ने अयोध्या के पर्यटन विकास की समीक्षा कर राम की पैड़ी समेत अन्य विकास कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया। यह कवायद योगी सरकार के तीसरे वर्ष दीपोत्सव को लेकर किया जा रहा है। इस बार अयोध्या में आयोजित दीपोत्सव विश्व कीर्तिमान बनाएगा, जिसमें देश की विभिन्न संस्कृति की झलक देखने को मिलेगी। साथ ही देश विदेश से लोग दीपोत्सव देखने आएंगे। राज्य के पर्यटन राज्य मंत्री नीलकंठ तिवारी ने अयोध्या पहुंचकर अयोध्या के विकास कार्यों का जायजा लिया। राज्य मंत्री नीलकंठ तिवारी ने अधिकारियों के साथ विकास कार्यों को लेकर समीक्षा किया। वहीं अयोध्या में जाकर राम की पैड़ी, भजन स्थल व अन्य विकास कार्यों का स्थलीय निरीक्षण भी किया। नीलकंठ तिवारी ने कहा कि इस बार का दीपोत्सव पिछली बार की अपेक्षा और अच्छा होने जा रहा है। देश विदेश से लोग दीपोत्सव में इस बार शामिल होंगे। राम की पैड़ी में चल रहे विकास कार्य को 30 सितंबर तक पूरा करने का अल्टीमेटम भी दिया है। राज्य मंत्री नीलकंठ तिवारी ने पिछली सरकारों पर अयोध्या की अपेक्षा करने का आरोप लगाते हुए कहा कि पिछली सरकार ने कोई विकास कार्य नहीं किया। योगी आदित्य सरकार के आते ही अयोध्या का विकास शुरू हो गया है। अयोध्या से राम राज्य की परिकल्पना चरितार्थ होती है। अच्छा होगा, पिछली बार से यही अच्छा होगा। आपने देखा होगा जब पहली बार हम लोग शुरू किए थे उसके अगले साल अच्छा हुआ, इस बार भी उसी तरह अच्छा होगा, ज़्यादा अच्छा होगा। आपको बहुत आनंद आने वाला है और सब चीज़ ठीक होगा। हर बार कहीं ना कहीं से बाहर से किसी न किसी को बुलाया जाता है अन्य देशों से, इस बार भी किसी को मेहमान आएंगे ना? आएंगे, बहुत से लोग आएंगे, बाहर के लोग भी आएंगे। हम और भी लोगों को, गेस्ट को इसमें आमंत्रित करने वाले हैं और बहुत भव्य कार्यक्रम होने वाला श्री राम जी के। आपने निरीक्षण किया है यहाँ पे, जो आप देखा टूटे हुए हैं, जो रोड पे आपने भी डांट फटकार लगाई है, क्या मामला? देखिए आप बताएं, अभी जो टूटा हुआ है या जो निर्माणाधीन है, किसी का लोकार्पण नहीं हुआ है, ठीक है? ये अभी निर्माणाधीन ही माना जाएगा और इसीलिए मैंने कहा कि इसको 30 तक सभी चीज़ों को कंप्लीट करो, और 30 तक कंप्लीट नहीं करने पर कार्रवाई करने के लिए भी उनसे कहा है। और DM को भी कहा कि वो जाँच के चाहे तो कर लें, या इन लोगों के साथ बैठ करके कोऑर्डिनेशन करा लें। कोऑर्डिनेशन करा करके किसी तरह इसको 30 तक ठीक कराना है। सिंचाई विभाग के काम है, निर्माण निगम के काम है, दोनों को मैंने, दोनों के अधिकारी भी हमारे साथ हैं, सबको मैंने कहा है कि सब लोग देख करके और इसको 30 तक पूरा बढ़िया। अच्छा, दीपावली के समय राम की पैड़ी की किस तरह से वो सजावट, तरह से कि उसी तरह से पानी निकलता रहे लोग? हाँ, अलग है, यहाँ अलग है, सबका अलग अलग महिमा है, सबका अलग अलग महात्मा है और सबकी अलग अलग रचना है, कभी भी एक दूसरे से तुलना नहीं की जा सकती। हम लोग प्रयास करते हैं कि चीज़ें जो भी हो, अति सुंदर हो, ज़्यादा सुंदर हो, इतनी सुंदर हो कि सबको अच्छा लगे और उसमें दैवी प्रस्तुतिकरण भी हो। तो ये जो आज बैठक आपने किया है, उस बैठक में किन किन बिंदुओं पर बात हुई है? विकास कार्यों पर हुआ और भी लॉ एंड ऑर्डर पर हुआ। एक अयोध्या जो हमारी पूज्य श्री राम की जन्मभूमि है, इस अयोध्या नगरी के विकास के संबंध में चर्चा हुई। इसको पर्यटन स्थल के रूप में ठीक से और भी ज़्यादा, यहाँ पर अभी मैं देखा हजारों की संख्या में रोज लोग आ रहे हैं, उनके लिए कुछ अलग से और भी व्यवस्था किया जाए, सब चीज़ों को देखा गया। सर, कितना बजट एलोकेट किया गया है इस बार दीपावली को लेकर के? और इस सब मालूम हो जाएगा, आपको सब मालूम हो जाएगा बजट का। और विकास की प्रक्रिया सतत चल रही है। 2017 के पूर्व यहाँ पर जब तक आदरणीय योगी जी की सरकार नहीं थी, आदरणीय मोदी जी के बार बार कहने के बाद भी यहाँ कोई विकास के काम नहीं चल रहे थे। अयोध्या को एकदम उपेक्षित कर दिया गया था। अयोध्या के बारे में ये कहा जाता था कि इसको विकास से परे रखो, यहाँ विकास मतलब, आपको खुद यहाँ से जो जुड़े होंगे तो आपको ध्यान होगा कि अयोध्या जो श्री राम की नगरी है, जहाँ से रामराज की परिकल्पना चरितार्थ होती है, जो सर्वोच्च राज्य प्रशासन की व्यवस्था है, उस रामराज के परिकल्पना वाले अयोध्या श्री राम की, पूज्य श्री राम की जन्मभूमि से, जन्मभूमि को उपेक्षित रखा गया। कोई भी सरकार, आपको अनुमान होगा, कोई भी सरकार किसी भी प्रकार का कोई विकास कार्य यहाँ करना नहीं चाहती थी। हमने इसको नगर निगम और विभिन्न तरीकों से इसको विकसित करने का प्रयास किया है और ये अध्यात्म। अयोध्या से हमारे संवाददाता अश्विनी सोनकर की रिपोर्ट।